उदय कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 11, वायुमंडलीय दबाव और पवने। हम समझते ये नहीं सोचते कि वायु में बहुत भार होता है। वास्तव में वायु में भार होता है और इस लिए यह दबाव डालती है। साइकिल की एक खाली ट्यूब लीजिए और उसका वजन तोलिए। अब इस ट्यूब में हवा भरिए और इसका भार मालूम करिए। आप पाएंगे कि वायु में से भारी ट्यूब का वजन खाली ट्यूब के वजन से अधिक है। यदि आप इस ट्यूब में और हवा भरे तो एक निश्चित ऐसी आती है जब ट्यूब फट जाएगी। ट्यूब में वायु दाब में बढ़ जाने के कारण वह फट जाती है। इसी प्रकार हमारे चारों ओर वायु दबाव डालती है, लेकिन हम इस दबाव को अनुभव नहीं करते, क्योंकि जो वायु हमारे शरीर के अंदर होती है वह भी बाहर की ओर उतरना ही दबाव डालती है। वायुमंडलीय दबाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध पवनों से है और यह किसी स्थान की मौसम संबंधी दशाओं का निर्धारण करती है। प्रस्तुत पाठ में आप वायुमंडलीय दाब, उसका संसार में वितरण, पवने और पवनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अध्ययन करने के पश्चात आप कारण समझा सकेंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम क्यों होता है। बहुत ऊंचाई पर निम्न वायु दाब का दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को उदाहरण देकर समझा सकते हैं। सम दाब रेखाओं के बीच की दूरी और वायुमंडल प्रणता में संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। विद्युतीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब वो तापमान के बीच संबंध साबित कर सकेंगे। उपोष उच्च दाब और अंध्रुव ध्रुवीय निम्न दाब के होने के कारण स्पष्ट कर सकेंगे। जनवरी और जुलाई के समदाब रेखीय चित्रों द्वारा संचार में वायुमंडलीय दाब का विवरण समझा सकेंगे। वायु दाब प्राणवृत्ता और पवन गति के साथ संबंध स्थापित कर सकेंगे। दोनों गोलार्धों में पवनों की दिशा पर पड़ने वाले कोरियोलिस बल का प्रभाव स्पष्ट कर सकेंगे। वायुदाब पेटियों में और भूमंडलीय पवनों को दर्शाने वाले आरेख बना सकेंगे। भूमंडलीय और मानसून पवन स्थल और समुद्र समीप, घाटी और पर्वत समीप तथा चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। प्रमुख स्थानीय पवनों की विशेषता बता सकेंगे। वायुमंडलीय दाब की माप: वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा रहता है। वायु का एक संदर्भ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायुदाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर से मापा जाता है। आजकल वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए समतीफ फेटिंग और अनिकोराइड बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल दाब के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है। वायुदाब के मापने की इकाई को मिलीबार कहते हैं। इसका छोटा रूप एमबी या मीबा है। एक मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाले लगभग 1 ग्राम बल के बराबर होता है। 1000 मिलीबार वायुदाब का बाहर समुद्र तल पर 1.053 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यह भार 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। वायुदाब का अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई समकल है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर 1 न्यूटन बल के बराबर होती है। व्यावहारिक तौर पर वायु दाब फिलोस्कल में अभिव्यक्त किया जाता है। 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल के बराबर होता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है, परंतु किसी स्थान पर किसी समय विशेष में वायु दाब 950 मिलीबार से लेकर 1050 मिलीबार तक पाया जाता है। एक निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर वायु के एक स्तंभ का भार वायुदाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को वायुदाब मापी यंत्र या बेरोमीटर में पाते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की लंबाई
की इकाई मिलीबार किलोस्कर है। एक मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले लगभग एक ग्राम बल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का वितरण, वायुमंडलीय दाब पर धरातल पर वितरण सब जगह समान नहीं है। इसमें सैसित एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के वितरण में भिन्नता मिलती है। वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, आप जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इससे अत्यधिक दबावकार घनीभूत किया जा सकता है। दबी हुई या घनीभूत वायु का घनत्व अधिक होता है। वायु का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दबाव भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत कम घनत्व वाली वायु का दाब भी कम होगा। वायु के संदर्भ में ऊपर की वायु नीचे वाली वायु पर दबाव डालती है, इसी कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु की अपेक्षा अधिक घनी अर्थात अधिक दबाव वाली हो जाती है। इसके परिणाम सौर वायुमंडल निचली परतें अधिक घनत्व वाली हो जाती है और इसलिए वह अधिक दबाव डालती है। इसके विपरीत वायुमंडल के ऊपरी परतें कम दबी हुई है, अंत उनका घनत्व कम होता है और वह कम दबाव डालती है। वायुमंडलीय दबाव का स्तंभंगीय वितरण वायुदाब का उत्तराधर वितरण कहलाता है। वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, लेकिन ये एक ही दर से हमेशा कम नहीं होता। वायुमंडलीय के घने संगठन समुद्र तल के निकट पाए जाते हैं। एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान का वायुदाब वायु तापमान उसकी उपस्थिति जलवाष्पन की मात्रा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये कारक वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर बदलते रहते हैं। अंत ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आने की दर भी बदलती रहती है। सामान्य वायुदाब प्रत्येक 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार कम हो जाता है। कम वायुदाब के प्रभाव का अनुभव मैदानों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक करते हैं। ऊंचे पर्वतीय भागों में चावल के पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वहाँ भी निम्न वायुदाब के भागों में चावल के पकने में अधिक समय लगता है क्योंकि वहाँ भिन्न निम्न वायुदाब कारक पानी का उत्थनक उबलने का बिंदु घट जाता है। यहाँ पहाड़ों पर चढ़ने वाले अन्य अंशों से आए बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और नाक से खून भी आने लगता है। निम्न वायुदाब वाले वायु तरल विरल हो जाती है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। चित्र में भी देख लेते हैं, छोटे वायुस्तंभ कमी धनी कम धनत्व वाली आयु वायुदाब होने पर औसत दर 34 मिलीबार प्रति 300 मीटर पर। अधिक ऊंचाई वायुस्तंभ अधिक धनी और अधिक दाव वाली वायु मीटर, देखो मीटर हिसाब दे रखा है। चित्र 11.1 वायुदाब का उत्तराधर वितरण, वायुदाब का सैसित वितरण। वायुदाब का सारे संसार में वितरण सैसित कारण कहलाता है। इसे मानचित्र में समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। वे रेखाएं जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों का एक स्थान जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं उच्चवत मानचित्र पर समोच्च रेखाओं जैसी होती है। वायुदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब में आने वाली परिवर्तन की दर तथा उसकी दिशा को बताती है। वायुदाब की दर में इसे परिवर्तन वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। वायुदाब की प्रवणता दो स्थानों के वायुदाब में भिन्नता तक उनके बीच सैक्षिक दूरी का अनुपात होता है। समदाब रेखाएं जब आसपास होती है तो वह वायुदाब तीव्र प्रवणता को बनाती है और जब दूर दूर होती है तो वायुदाब की मंद प्रवणता का बोध कराती है। वायुदाब का सैसित वितरण सारे संसार में समान नहीं है। एक
सितु से दूसरी सितु में एक स्थान पर भी वायुदाब बदलता जाता है। इसमें बदलाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक छोटी सी दूरी के बाद भी देखा जा सकता है। वायुदाब के सहसित वितरण में वायु वितरण में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख है। वायुदाब का तापमान, पृथ्वी का घूमन और वायु में उपस्थित जलवाष्पन की मात्रा। वायु का तापमान, हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण सब जगह एक समान नहीं है, क्योंकि सूर्य ताप हर स्थान पर समान रूप से नहीं मिलता। साथ ही स्थल भाग में भाग और जल भाग के गर्म और ठंडे होने की दर अलग अलग। सामान्यतः तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उतना ही उसका दबाव कम होगा। गैस का ये नियम है कि जब उसे गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और वह फैलती है। इस प्रक्रिया में वायु ऊपर उठती है और धरातल पर उसका दबाव कम हो जाता है। विषुववर्तीय प्रदेशों में निम्न वायुदाब पट्टी पाई जाती है, जिससे विषुववर्तीय निम्न वायुदाब या डोनल ट्रम कहा जाता है। यही कारण है कि विषुववर्तीय प्रदेशों में वायुदाब निम्न होता है और ध्रुवीय प्रदेशों में वायुदाब उच्च होता है। विषुववर्तीय प्रदेशों में निम्न वायुदाब का कारण गर्म वायु का ऊपर उठना, धरातल के निकट वायु का विरल हो जाना और थोड़े समय के लिए खाली जगह का वन बन जाना। ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडी वायु घनी होती है, अंत वह नीचे उतरती है, इससे वायुदाब बढ़ जाता है। तथा इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि विषुववत वृत्त से ध्रुव की ओर तापमान घटने के साथ साथ वायुदाब में सने सने वृद्धि होनी चाहिए। परंतु विभिन्न स्थानों पर लिए गए वायुदाब के पठन ये सिद्ध करते हैं कि विषुववत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अंशों के अनुसार वायुदाब में नियमित रूप से वृद्धि नहीं होती। इसके विपरीत संसार के उपासन प्रदेशों में उच्च वायुदाब के क्षेत्रों और अंधो ध्रुवीय प्रदेशों में निम्न वायुदाब के क्षेत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी का घूमन, पृथ्वी के घूमन से केंद्र विमुख बल पैदा होता है। इसके परिणाम स्वरूप वायु अपने मूल स्थान से हट जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अंदरो ध्रुवीय प्रदेशों का निम्न वायुदाब का कुशन प्रदेशों का उच्च वायुदाब का निर्माण मुख्यतः पृथ्वी के घूमन के कारण हुआ। पृथ्वी के अभिसारण क्षेत्र निर्माण मुख्यतः पृथ्वी के घूमन के कारण हुआ। वायु के अभिसारण क्षेत्र जब विभिन्न दिशाओं से आकार वायु मिलती है में निम्न वायुदाब पाया जाता है और वायु के अपसारण क्षेत्र जहाँ से वायु विभिन्न दिशाओं को जाती है में उच्च दाब पाया जाता है। वायु में उपस्थित जलवाष्पन की मात्रा, वायु जिसमें जलवाष्पन की मात्रा अधिक होती है उसका दबाव कम होता है और जिस वायु में जलवाष्पन की मात्रा कम होती है उसका दबाव अधिक होता है। सर्दी में महाद्वीपीय अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं तथा उच्च वायुदाब केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। गर्मी में यह समुद्र की तुलना में गर्म हो जाते हैं तथा यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र कायम हो जाता है। इसके विपरीत समुद्र पर सर्दी में निम्न दाब तथा गर्मी में उच्च दाब होता है। वे रेखा जो सभी समान वायुदाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती है। वायुदाब की प्रवणता दो स्थानों के बीच वायुदाब की विभिन्नता और उन स्थानों के बीच सहसित दूरी का अनुपात होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में औसत कमी की दर प्रति 300 मीटर ऊंचाई पर 34 मिलीबार है। वायुदाब की पीटियां ध्रुवीय उच्च दाब, अंदरो ध्रुवीय निम्न दाब, उपरोषण दाब, विषुववर्तीय निम्न दाब, उपोषण उच्च दाब, अंदो ध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, आप देख सकते हैं। इसमें चित्र 11.2 वायुदाब की पेटियां, धरातल पर वायुदाब का सहसित वितरण मुख्यांशों वितरों के साथ पट्टियों के
रूप में पाया जाता है। इन्हीं को वायुपट्टीय कहा जाता है। वायुदाब में पट्टियों के रूप में वितरण केवल सिद्धांतिक नमूना है। वास्तव में वायुदाब की ऐसी पट्टियां धरातल पर हमेशा इस प्रकार नहीं मिलती। इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे कि वास्तव में वायुदाब की पेटियां आदर्श वायुदाब पेटियों से भिन्न क्यों हैं। संसार में पाई जाने वाली वायुदाब की आदर्श चार पेटियां हैं। विष्णुवर्तीय निम्न वायुदाब पेटी, उपक्रोशन उच्चदाब पेटी, अंदरोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। विष्णुवर्तीय निम्न वायुदाब पेटी विषुवर्त वृत्त पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती है। इस कारण विष्णुवर्ती क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे जहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, इसे वायुदाब की पेटी का विस्तार उत्तरी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वायुदाब की पेटी का विस्तार 10 सेल्सियस दक्षिण अक्षांश के बीच है। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ वायु की गति सवरण धाराओं के रूप में मुख्यतः ध्रुवाधार होती है और सैसित गति प्रिय नहीं है। इसलिए इन्हें पेटियों को पवनों के अभाव में शांत पेटियां डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। ये पेटियां पवनों के अभिसारण क्षेत्र है क्योंकि उष्ण उच्च दाब से पवने यहां आकर मिलती है। अरे तकिया दे मुझे मेरी। इस पेटी को अंत उषा कटिबंधित अभिसारण क्षेत्र ITCZ भी कहते हैं। उपोषण उच्च दाब पेटी। उपोषण उच्च दाब पेटी का दोनों उत्तरार्ध में विस्तार आयन रेखाओं कर्क और मकर वृत्त से 35 सेल्सियस अंशों तक है। उत्तरी गोलार्ध में इस पेटी का नाम उत्तरी पोषण उच्च दाब में पेटी है और दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी उपोषण उच्च दाब पेटी कहा जाता है। उपोषण उच्च दाब पेटी के बनने का कारण ये है कि विष्णुवर्तीय क्षेत्रों से उठी गर्म वायु पृथ्वी के घूमन ध्रुव की ओर बढ़ने लगती है। पोषण क्षेत्र में आकर वह ठंडी और भारी हो जाती है जिससे वे नीचे उतर कर इकट्ठी हो जाती है। परिणाम स्वरूप या उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में भी परिवर्तनशील हल्की पवनों के साथ शांत की दशाएं विद्यमान रहती है। प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जहाज जब इस पेटी में गुजरते थे तो वहाँ शांत दशाओं के कारण जहाज का आगे बढ़ना कठिन होता था। अंत घोड़ों को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का कर दिया जाता था। इसी तथ्य के कारण इस पेटी का घोड़े का अंश अश्व अंश भी कहा जाता है। यह पेटियाँ पवनों के अपसारण क्षेत्र भी है क्योंकि वहाँ से पवन विष्णुवर्तीय और अंध्रोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर जाती है। अंध्रोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार 45 सेल्सियस उत्तर अक्षांश से एंटार्कटिक वृत्त तक है और दक्षिणी गोलार्ध में 45 सेल्सियस दक्षिण अंश से एंटार्कटिक वृत्त तक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें क्रमशः उत्तरी अंध्रोध्रुवो निम्न दाब पेटी और भी दक्षिणी अंध्रोध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। इन पेटियों में ध्रुवों और उपोक्षण उच्च दाब क्षेत्रों में पवने आकर मिलती है और ऊपर उठती है। इन आने वाली पवनों के तापमान और आर्द्रता में बहुत अंतर होता है। इस कारण वहाँ चक्रवात या निम्न वायुदाब की दशाएं बनती है। इन निम्न वायुदाब के अभिसारण क्षेत्र को ध्रुवीय वक्ताग्र भी कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता या सूर्य की किरणों का आपतन कोण न्यूनतम होता है। इस कारण यहाँ सबसे कम तापमान पाए जाते हैं। लिम तापमान होने के कारण वायु सुकड़ती है और उसका घनत्व बढ़ जाता है। इससे यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। इन पेटियों से पवने अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती है। वायुदाब पेटियों
की प्रस्तुत व्यवस्था एक सामान्य तस्वीर प्रदर्शित करती है। वास्तव में वायुदाब पेटियों की यह स्थिति स्थायी नहीं है। सूर्य की आभासी गति कर्क वृत्त और मकर वृत्त की ओर होने के परिणाम स्वरूप ये पेटियां जुलाई में अंत की ओर और जनवरी में दक्षिण की ओर धसती रहती है। तापीय विष्णुवर्त रेखा जो सर्वाधिक तापमान की पेटी है वह भी विष्णुवृत्त से उत्तर और दक्षिण की ओर खिंचती रहती है। तापीय विष्णुवर्त रेखा और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर दक्षिण विष्णु में दक्षिण की ओर खिसकने के परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब पेटियां भी अपनी औसत स्थिति से थोड़ा उत्तर और थोड़ा दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी को घोड़े का अंश अश्व अंश भी कहा जाता है। उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायु के नीचे धंसने और इसके इकट्ठा होने के कारण यहाँ उच्च दाब बनता है। ध्रुवीय क्षेत्रों को उष्ण क्षेत्रों में आने वाली पवनों के मिलने से यहाँ चक्रवर्तीय दशाएँ मिलती है। उच्च वायुदाब पेटी शुक्र और निम्न वायुदाब पेटियाँ नम सूर्य में आभासी गति उत्तर और दक्षिण की ओर होने के कारण तापीय विष्णुवर्त रेखा भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तापीय विष्णुवर्त रेखा के खिसकने के कारण वायुदाब पेटियाँ भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। ऋतुओं के अनुसार वायु दाब का विवरण। धरातल पर वायु दाब का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में बदलता रहता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और जलवायु पर पड़ता है। इसलिए हम वायु दाब के सहसित वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं मानचित्रों द्वारा करते हैं। समदाब रेखीय मानचित्र तैयार करते समय सभी स्थानों का वायुदाब समुद्र तल पर उतर जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वायुदाब के सहसित वितरण में ऊंचाई, जो वायुदाब को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, निकाल देते हैं। जनवरी की वायुदाब दर्शाइए। जनवरी में सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने के साथ विष्णुवर्तीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ भी अपनी औसत स्थिति से कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इस समय सबसे कम वायुदाब के क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि स्थल भाग जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। उष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाते हैं। यहाँ उच्च वायुदाब की पेटियाँ अपेक्षाकृत अधिक गर्म महाद्वीपों के बीच आ जाने के कारण कई छोटे छोटे भागों में बट जाती हैं। महासागरों के पूर्वी भाग जहाँ ठंडी धाराएं बहती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र अधिक विकसित है। इसमें देखिए, चित्र में भी दिखा रखा है, उच्च का है, निम्न का है। चित्र 11.3 वायुदाब का वितरण जनवरी। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों में उपोषण अंशों पर उच्च वायुदाब के क्षेत्र मिलते हैं। यूरेशिया के आंतरिक भाग में बहुत ही विकसित उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। इसके बनने का प्रमुख कारण है आसपास में समुद्रों की अपेक्षा महाद्वीपीय का शीघ्र ठंडा हो जाना। इसे यहाँ शीत ऋतु में अति निम्न तापमान पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अद्रो ध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र वास्तविक निम्न दाब की पूरी पेटी है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। यह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटी है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के इन अंशों में महाद्वीपों का भाव है। उत्तरी गोलार्ध में अद्र ध्रुवो निम्न वायुदाब के छोटे छोटे दो क्षेत्र हैं। एक है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का आइसलैंड वाला निम्न वायुदाब क्षेत्र का, दूसरा उत्तरी प्रशांत महासागर का अल्यूशियन निम्न वायुदाब क्षेत्र। जुलाई की वायुदाब दर्शाए। जुलाई में सूर्य के उत्तर की ओर खिसकने के साथ विष्णुवर्तीय निम्न वायुदाब की पेटी भी अपनी औसत स्थिति के कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। अन्य वायुदाब पेटियां भी जुलाई में उत्तर की ओर थोड़ा थोड़ा खिसक जाती है। आइसलैंड निम्न वायुदाब क्षेत्र और अल्प्यूशियन निम्न वायुदाब क्षेत्र महासागरों पर से विलुप्त
हो जाते हैं, परंतु उन महाद्वीपों जहाँ पर जहाँ शीत ऋतु में काफ़ी विकसित उच्च वायुदाब क्षेत्र थे, वहाँ अब तो बहुत बड़े भूभाग पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। ईसा में तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के अंटार्कटिक के प्रशांत महासागरों के उपोषण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उपोषण उच्च वायुदाब का क्षेत्र लगातार है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय अंदरोध्रुवीय निम्न वायुदाब में पेटी लगातार है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह महासागरीय चीन निम्न वायुदाब का छोटा सा क्षेत्र है। पवने, हमने सभी अध्ययन किया है वायुदाब का वितरण सब जगह समान नहीं है। वायु दाब के वितरण की इस असमानता को संतुलित करने का प्रयास करती है। अंत वह उच्च वायुदाब के क्षेत्र से भिन्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती है। वायुदाब के अंतर के कारण सहसित रूप से चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। जब वायु उद्रोधर रूप से गतिमान रहती है तो उसे वायुधारा कहते हैं। पवने और वायुधाराएं मिलकर वायुमंडल की परिचलन व्यवस्था बनती है। वायुदाब प्रांता ए पवने, वायुदाब की लवणता और पवन की गति में बहुत निकट का संबंध है। दो स्थानों के बीच वायुदाब का जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही पवन की गति अधिक होगी। इसके विपरीत यदि वायुदाब की लवणता मंद होगी तो पवन की गति भी कम होगी। चित्र में देखिए निम्न और उच्च में क्या फ़र्क है। मंद प्रवणता और तीव्र प्रवणता देखिए, तेज पवन दुर्बल पवन। चित्र 11.5 वायुदाब प्रवणता और पवन में संबंध। कोरिओलियस प्रभाव पवने, वायुदाब की लवणता के अनुसार पवने संदाप रेखाओं को समकोण पर काटती है। वर्णन में अपने मूल पथ से हटकर चलती है। पवन की दिशा में बदलाव का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमन है। इसका प्रतिपादन ईस सन 1844 में गैस्पर्ड डी कोरिओलियस महोदय द्वारा किया गया है। इसे ही कोरिओलियस प्रभाव या कोरिओलियस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर हट जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इस फेरेल का नियम भी कहते हैं विष्णुवर्त वृत्त पर कोरिओलियस बल निर्णय होता है, परंतु ध्रुव की ओर जाने पर यह बढ़ता जाता है। ये देखिए चित्र में बता रखा है संपेक्षा झुकाव बल। चित्र 11.6 कोरिओलियस बल के कारण पवनों का अपने मूल पथ से हटकर चलना। पवनों के प्रकार, मनुष्य कई पीढ़ियों से यह अनुभव करता आ रहा है कि संसार कुछ क्षेत्रों में पवने सारे वर्ष एक ही दिशा में चलती रहती है। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र पवनों के चलने की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। साथ ही कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जिसमें पवने इतनी परिवर्तनशील होती है कि इसका कोई प्रतिरूप बताना कठिन है। धरातल पर चलने वाली पवनों को स्थूल रूप से तीन वर्गों में रखा जाता है। ये वर्ग है भूमंडलीय या स्थायी पवने, आवर्ती पवने, स्थानीय पवने। भूमंडलीय पवने, भूमंडलीय या स्थायी पवने सदैव एक ही दिशा से वर्ष भर उच्च वायुदाब पट्टियों से निम्न वायुदाब पट्टियों की ओर चला सकती है। ये पवने महाद्वीपों और महासागरों से बहुत बड़े महासागरों पर चलती है। इनके तीन उपविभाग हैं पूर्वी पवने, पश्चिमी पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने। चित्र 11.7 चित्र में भी देख सकते हो आप पूर्वी पवने या व्यापारिक पवने उषण उच्च वायुदाब क्षेत्र से भू विष्णुवर्तीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। इन्हें ट्रैक बीट भी कहते हैं। ट्रैक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पथ। ट्रेन
ट्रेड के चलने का अर्थ है नियमित रूप से एक ही पद पर नियंत्रण, एक ही दिशा से चलना। अंत उन्हें आराम से कर ले समागर्ती पवने भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी या समगर्मी पवने उत्तर पूर्वी दिशा से तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती है। समगर्ती पवने उष्णकटिबंधित में मुख्यतः पूर्व दिशा से चलती है। इन्हें उष्णकटिबंधित पूर्वी पवने भी कहते हैं। पश्चिमी या छुआ पवने पोषण उच्च वायुदाब की पेटी या आर्द्र ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। कोरिओलिस बल के कारण ये पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर को मोड़ कर चलती है और यहाँ इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़कर चलती है और यहाँ इनकी दिशा उत्तर पश्चिमी होती है। मुख्य दिशा पश्चिम होने के कारण इन्हें पश्चिमी पवने कहते हैं। देखिए पवनों के चलनों की दिशा। चित्र 11.7 भूमंडलीय पवने ध्रुवीय पूर्वी पवने। ये पवने ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से अंदरो ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने मार्ग से विहीन और मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इस फैलर का नियम कहा जाता है। अपवर्ती पवने इन पवनों की दिशा ऋतुओं परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। मानसून पवने बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि पवने हैं। मानसून पवने मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द मौसम में हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। जो पवने ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट लेती है उन्हें मानसून पवने कहते हैं। ग्रीम ऋतु ये में मानसून पवने समुद्र में स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। परंपरागत रूप में इन पवनों की व्याख्या बड़े पैमाने पर चलने वाली समुद्र समीप और स्थल समीर से की जाती थी, परंतु अब यह व्याख्या अधिक उचित नहीं समझी जाती। आज के युग में मानसून पवनों को सामान्य भूमंडलीय पवन व्यवस्था का ही संशोधित रूप माना जाता है। एशियाई मानसून भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारणों की परिस्थिति क्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल तथा जौ मंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रिया शामिल है। ग्रीम मानसून शीत मानसून निम्नदाब उच्चदाब निम्नदाब। चित्र 11.8 मानसून पवने मानसून पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार बर्मा श्रीलंका अरब सागर बांग्ला की खाड़ी पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन और जापान। पवने जो ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट देती है मानसून पवने कहलाती है। स्थानीय पवने अब तक अपने पृथ्वी तल पर चलने वाली प्रमुख पवनों के बारे में अध्ययन किया है। वह पवने पृथ्वी के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को समझने में बहुत सहायक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ पवने ऐसे भी हैं जो स्थानीय मौसम को प्रभावित करती है। सामान्य स्थानीय पवने छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये भूमंडल में भिन्न भाग तक ही सीमित रहती है। कुछ स्थानीय पवनों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है। समुद्र समीप या विस्थल समीप समुद्र तटों और झीलों के आसपास के क्षेत्रों में चला करती है। स्थान भाग और जल भाग के अलग अलग ठंडा और गर्म होने के कारण उच्च और निम्न वायुदाब बदलने के दैनिक क्रम है। दिन के समय स्थल भाग समुद्र या झील की अपेक्षा शीघ्र और अधिक गर्म हो जाता है। अंत स्थल भाग ऊपर की ओर वायु फैलती है और ऊपर उठती है। इस कारण स्थल भाग पर स्थानीय निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है और उसके विपरीत समुद्र या झील की सतह पर उच्च वायुदाब होता है। वायुदाबों में अंतर होने के कारण समुद्र में स्थल की ओर वायु चलती है। इसे समुद्र समीप कहते हैं। समुद्र समीप दोपहर से कुछ पहले
चलारम करती है और इसकी तीव्र दोपहर बाद सबसे अधिक। इन शीतल पवनों का तकतीय भागों के मौसम पर समकारी प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, चित्र में भी दिखा रखा है, बादल का निर्माण, ऊष्मा वायु शीतल होकर नीचे उतरती है, उच्च दाब निम्न दाब, स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसमें देखिए, उच्च दाब वायु ठंडी होकर नीचे आती है, जल की उष्ण वायु ऊपर उठती है, निम्न दाब। चित्र 11.9, समुद्र समीप और स्थल समीप। रात के समय स्थल भाग शीघ्र ठंडा हो जाता है और आसपास के जलीय भागों की अपेक्षा तापमान कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप स्थल भाग पर उच्च वायुदाब होता है और समुद्री भाग पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब। अंत पवन स्थल भाग से समुद्र की ओर चला करती है, ऐसे पवनों को स्थल समीप कहते हैं। घाटी ए पर्वतीय समीप समीर। पवनों की दिशा में दैनिक बदलाव होने वाले अन्य युगल पवने घाटी पर्वतीय समीप है। दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। इसके ढालों पर वायु दाब कम और घाटी तल पर वायु दाब अधिक होता है। अंत दिन के समय घाटी तल से वायु मंद गति से पर्वतीय ढालों की ओर चला करती है, इसे घाटी समीप कहते हैं। सूर्यास्त के बाद पर्वतीय ढालों पर तेजी से ताप का विकिरण हो जाता है। अंत पर्वतीय ढालों पर घाटी तल की अपेक्षा शीघ्रता से उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। अंत पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तल और बहने लगती है, इसे पर्वतीय समीप कहते हैं। घाटी समीप और पर्वतीय समीप को एनाबेटिक तथा कैटाबेटिक समीप भी कहते हैं। देखिए, सूर्य ताप द्वारा ढालों का गर्म होना घाटी समीप और पर्वतीय समीप, विकिरण द्वारा ढालों का ठंडा होना। 11.10 घाटी पर्वतीय समीप। गर्म पवन लू फोहन और चिनुक प्रमुख गर्म प्रकार के स्थानीय पवन हैं। लू अति गर्म तथा सूक्ष्म पवने हैं जो मई तथा जून के महीनों में भारत के उत्तरी मैदानों और पाकिस्तान में चला करती है। इन पवनों की दिशा पाकिस्तान के पूर्व है और यह सामान्यतः दोपहर के बाद चलती है। इन पवनों का तापमान 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच होता है। फोहन अल्प्स पर्वतमाला के पवन विमुख उत्तरी ढलानों पर नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र झोंकेदार सूक्ष्म और गर्म स्थानीय पवन को फोहन कहते हैं। स्थानीय वायु दाब प्रांता के कारण वायु अल्प्स पर्वत के दक्षिण ढालों पर चढ़ती है। चढ़ते समय इन ढालों पर कुछ पर्वत परसा भी करती है, परंतु पर्वतमाला को पार करने के बाद ये पवने ढलानों पर गर्म पवन परंतु ढलानों पर गर्म पवन के रूप में नीचे उतरती है। इसका तापमान 15 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक होता है और यह पर्वतों पर यही हिम का पिघला देती है। इसे चरवाह पशु के चरने योग्य बना देते हैं और अंगूरों को शीघ्र पकने में इनमें सहायता मिलती है। चिकुन संयुक्त राज्य अमेरिका की और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला में पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को चिकुन कहते हैं। स्थानीय भाषा में चिकुन शब्द का अर्थ है हिम भाषक, क्योंकि यह हिम को समय से पूर्व पिघलाने में समर्थक है। अंत यह घास तलों को हिम रहित बना देती है, जिसमें चरवाहों का प्रत्येक मात्रा में घास उपलब्ध हो जाती है। ठंडी पवने शीत ऋतु में हिमाच्छादित पवनों पर उत्पन्न होती है और ढलान के अनुसार घाटी की ओर नीचे उतरती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। इसमें से प्रमुख मिस्टल पवन है। मिस्टल पवन अल्प्स पवन पर
उत्पन्न होती है। यह फ्रांस में रोन नदी के घाटी में से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। मिस्टल बहुत ठंडी शुष्क और तेज गति वाली स्थानीय पवने हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्रों का ताप हिमक बिंदु से नीचे गिरा देती है। इन पवनों से बचने के लिए लोग अपने बागानों के चारों ओर झाड़ियाँ लगा देते हैं। लोगों के घरों में मुख्य द्वार और खिड़कियाँ भी भूमध्य सागर की ओर होते हैं जिससे इन ठंडी पवनों का प्रभाव कुछ कम हो सके। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायु राशि। विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडल की वजह से स्थिति जिसमें सैसित दृष्टिकोण से तापमान का आर्द्रता में रूपांतर होता है वायु राशि कहलाती है। एक वायु राशि उस समय विकसित होती है जब वायु बहुत बड़े और लगभग एक समान स्थल भाग या महासागर तल पर बहुत लंबे समय तक स्थिर रहती है जिससे वह तल के तापमान या आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। वायु राशियों के प्रमुख स्रोत प्रदेशों समान आदर्शों वाले उच्च अंशों के समुद्रीय ध्रुवीय प्रदेशों या निम्न अंशों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। अंत वायु राशियाँ दो प्रकार की होती हैं ध्रुवीय वायु राशि और उच्च कटिबंधीय वायु राशि। ध्रुवीय वायु राशि ठंडी और शीतल कटिबंधित वायु राशि गर्म होती है जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे की ओर बहती है तब इनके मिल को वक्रगर कहते हैं। जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो इससे बने वक्र को गत्ता वक्र कहते हैं। जब ठंडी वायु राशि अधिक गतिशील होने के साथ गर्म वायु राशि को नीचे से काटती हुई गर्म वायु राशि को ऊपर उठने के लिए बांधे करती है तो इसे इस स्थिति में शीतल वत्र्गर बनता है। शीतल वत्र्गर का तल गर्म वत्र्गर के तल से तीव्र होता है। कई वायु राशि चाहे वे ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय महासागरीय या महाद्वीपीय हो जब वह किसी प्रदेश पर हावी हो जाती है तो वह मुख्यतः वहाँ के मौसम को नियंत्रित करती है। चक्रवात। एक विस्तृत चक्रवात समदाब रेखाओं की व्यवस्था दीर्घवृत्तकाल होती है और इनके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है तथा पवने निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के भीतर पवने घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के अनुसार चलती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं शीतोंस उष्णकटिबंधित मध्य अक्षीय चक्रवात और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय या निम्न अंशीय चक्रवात। चक्रवात निम्न दक्षिणी गोलार्ध प्रति चक्रवात उच्च निम्न चक्रवात निम्न उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध अब उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है उच्च प्रति चक्रवात। चित्र 11.11 उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में चक्रवात का प्रति चक्रवात से संबंधित वायु व्यवस्था। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्र को निम्न वायुदाब के अवदाब भी कहते हैं। 35 सेल्सियस या 65 सेल्सियस साउथ उत्तर तथा दक्षिण अंशों के बीच या मध्य अंशों की पछुआ पवनों की पेटी में वक्रकर्ता के साथ निर्मित होते हैं। यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं और शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र अंटार्कटिक महासागर और उत्तर पश्चिम यूरोप है। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार बहुत अधिक होता है। इनकी मोटाई 9 से 11 किलोमीटर तथा छोटे बड़े व्यास क्रम 140 किलोमीटर 1920 किलोमीटर तक होते हैं। ऐसे प्रत्येक चक्रवात के पीछे उच्च वायुदाब का प्रति चक्रवात होता है। चक्रवात में बादलों से घिरा आकाश और गोहार जैसी वर्षा की मौसम दर्शाए कई दिनों तक रहती है। परंतु प्रति चक्रवात में मौसम शांत धूप वाला और शीत लहर से युक्त होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्र में बनते जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व समग्रामी पवने मिलती है। इस क्षेत्र को अंत उष्णकटिबंधीय अपिसारण क्षेत्र ITC जेड कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मुख्यतः
प्रमुख क्षेत्रों में मास्को उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी पश्चिम भाग उत्तरी हिंद महासागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर सम्मिलित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सीसोसन उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कई बातों में भिन्न होते हैं। इसमें सीतोक्स कटिबंधीय चक्रवातों के समान सुस्पष्ट गर्म तथा ठंडे वतगर्भ नहीं होते, क्योंकि अंत उष्णकटिबंधीय तभी सारण क्षेत्र में तापमान सब जगह लगभग एक समान होते हैं। इसमें कोई स्पष्ट पवन व्यवस्था नहीं होती और यह सामान्य और उथले अप दबाव है और इसमें पवन की गति क्षीण होती है। इसके साथ या पीछे प्रति चक्रवात नहीं होते। इन चक्रवातों में समदाब रेखाओं की व्यवस्था लगभग वृत्तकार होती है। यह बहुत बड़े विस्तार के नहीं होते और इनका व्यास 160 से 640 किलोमीटर तक होता है। फिर भी इसमें से कुछ बहुत ही प्रचंड तथा तूफानी होते हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनाश लीला करते हैं। इस प्रकार के भयानक चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हिरिकेन चीन जापान तथा फिलीपींस द्वीपों में ट्राइकून हिंद महासागर में चक्रवात और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। देखिए जून अक्टूबर विष्णुवर्त रेखा जून अक्टूबर नवंबर जुलाई अक्टूबर जनवरी मार्च। चित्र 11.12 सीतोंस एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तकती मैदानों में अधिकतर विनाश करते हैं। अपने भारत में तख्तों पर गर्म और शरद ऋतुओं में चक्रवात आने के बारे में सुना होगा। इसके द्वारा इस क्षेत्र में प्रति वर्ष जनधन की अपार हानि होती है। इन चक्रवातों की अति तीव्र वायुदाब प्रवणता के कारण बहुत तेज पवने चलती है जो सीमित क्षेत्र में तूफान और बहुत भारी वर्षा के साथ विनाश लीला करती है। फिर भी ऐसे चक्रवातों के केंद्र में चारों ओर लगभग 8 से 48 किलोमीटर क्षेत्र जिसे इन तूफानों चक्रवातों की आँख कहते हैं में मौसम शांत और वर्षा रहित होता है। यदि इन आँखों को खोज लिया जाए तो आधुनिक विज्ञान की मदद से ऐसे तूफानी चक्रवातों का आगे बढ़ना रोका जा सकता है और इस प्रकार हम उनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। वायु राशि वायु की वह विस्तृत मात्रा में जिसमें तापमान वायुदाब तथा आर्द्रता सब जगह समान होती है। दो वायु राशियों को अलग करने वाला तल अग्रक कहलाता है। शीतोष्ण चक्रवात मध्य अंशीय क्षेत्रों से विकसित होते हैं जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अंशीय क्षेत्रों में बनते हैं। आपने क्या सीखा? एक निश्चित स्थान उस समय पर वायु के स्तंभ का दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। इसे वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर से मापा जाता है। मिलीवार वायुदाब मापने की इकाई है। वायुदाब के सहसित एवं उत्वादर दोनों प्रकार के वितरण असमान है। मानचित्र पर वायुदाब के वितरण को समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखाएं काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पर समुद्र तल पर उतरे गए समान दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाती है। उच्च अंशों पर वायुदाब निम्न अंशों की अपेक्षा अधिक होता है। सहसित वायुदाब की क्षेत्रीय व्यवस्था वायुदाब पेटियाँ कहलाती है। संसार के प्रमुख चार वायुदाब पेटियाँ हैं विष्णुवर्तीय निम्न वायुदाब पेटी गुसा उच्च वायुदाब पेटी अद्रो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तापमान एवं घूमन के कारण धरातल पर वायुदाब में भिन्नता पाई जाती है। वायुदाब पेटियाँ स्थिर नहीं है। वह सूर्य की आभासी गति के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत में दक्षिण की ओर से खिसकती रहती है। वायुदाब प्रवणता दो स्थानों के बीच की दूरी और उनके बीच वायुदाब के अंदर के अनुपात को कहते हैं। कुछ पवने दैनिक प्रतिरूप के तौर पर हमेशा बहती है। उदाहरण के लिए स्थल समीर और समुद्र समीर घाटी एवं पर्वतीय समीर वायुदाब प्रवणता और पवन गति के बीच निकट का संबंध कोरिओलिस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में पूर्व पथ से अपनी दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फैलन का नियम भी कहते हैं। कुछ पवने सारे वर्ष एक ही दिशा में चलती है तो कुछ पवने स्थानीय किरणों से परिवर्तित कर लेती है।
मानसून ऋतुवर्त पवने हैं, स्थानीय पवने दैनिक हैं। वायु राशि समान तापमान वायुदाब और आर्द्रता वाली वायुदाब विशाल मात्रा होती है। दो विभिन्न वायु राशियों के मिलन तल को अग्रेत कहते हैं। मध्य अंशों में वायु राशियों का अग्र के कारण स्थितांश चक्रवात बनते हैं। निम्न अंशों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और ये तटीय भागों की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कभी कभी यह बहुत प्रचंड या तूफानी होते हैं जो जनधन को अपार हानि पहुँचाते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।